गुड मॉर्निंग क्लास 11th. वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आर प्रीवियस सेशन. टुडे विल कंटिन्यू आर चैप्टर विद अ केस स्टडी. अ न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज़ बीन सेटअप इन दिल्ली थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया है. तो जो दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंडर वो हुआ है, ठीक है. अपने अपने स्टेट का जो एक्ट है वो अलग होता है. इट वॉज सेट टू प्रोक्योर एसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटीज इन बल्क फ्रॉम वेरियस होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू सप्लाई द सेम एट रीजनेबल प्राइस टू पब्लिक एंड इट्स मेंबर्स. अब यहाँ पे प्रोक्योर मीन्स परचेज एसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटीज, जो कंज्यूमर्स की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको खरीद कर, कहाँ से खरीदते थे, या तो होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, और उनको फिर सप्लाई करते थे मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे. तो जो इन केस कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डिस्क्राइब्ड. अब ये क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ना तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना ही ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ना ही ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना ही ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ये कौन सी टाइप है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये कंज्यूमर कमोडिटीज़ में डील कर रही है, हैं, कमोडिटीज़ मतलब जो भी चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है वो सब. और फिर इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस में द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द आइडेंटिफिकेशन यू वुड गेट 1 mark. ओके, एंड सपोज इट इज़ अ 4 marks, देन 1 mark यू वुड गेट फॉर दिस. देन हियर यू हैव टू मेंशन 3 points. ओके, सो टोटल 3 marks फॉर 3 points एंड 1 mark फॉर आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट. ओके, टोटल 4 marks इट विल कंडक्ट. ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वेयर द ह्यूज कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड. ओके, विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूज कैपिटल, बिकॉज प्रीवियस फॉर्म्स ऑल दीज सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, समवेयर दीज फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम कैपिटल. ओके, कैपिटल इनके पास उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है वो उसके लिए सबसे बेस्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी है, सबसे सूटेबल है. सो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल. It has advantage of attracting huge capital from the public. ठीक है, पब्लिक से एक huge capital attract कर पाते हैं. हम जैसे छोटे जो middle class लोग हैं वो हमारी जो छोटी छोटी saving हैं, we somewhere like to earn more and more money. Okay, the people those who do not like टू बेयर द रिस्क, ठीक है, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, दे कीप सेफ देयर मनी इन अ बैंक. ओके, बट द पीपल दोज हु टेक लिटिल रिस्क ऑन देयर ओन, ओके, सो दे लाइक टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी. ओके, सो जो छोटे छोटे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन की छोटी छोटी सेविंग्स से ह्यूज कैपिटल कंपनी फॉर्म क्या होती है वो कलेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है. ओके, एंड विद एडिक्वेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली.
here now let's have a look at the definition. Okay, of a company, we'll take this last definition. It is the easiest one and all the terms are coming in its features. Okay, so a joint stock company is an artificial person. ओके आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी को लॉ ने एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है ठीक है क्योंकि कंपनी की अपनी एक सील होती है कंपनी कैन बाय और सेल एनी एसेट इन इट्स नेम ठीक है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा ही जो जन्म जिसका बर्थ हुआ है ओके और जिसका जो डेथ है डेथ कह लो या जो कंपनी जो ख़त्म होगी वो भी लॉ जब करेगा तो ही होगी ओके सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस परपेचुअल सक्सेशन बट दीज टर्म्स वुड कम हियर नाउ व्हेन वी विल डिस्कस फीचर्स एंड कॉमन सील ऑल दीज थ्री थिंग्स विल कम हियर इन फीचर्स ठीक है अब यहाँ पे जो फीचर्स है इनकी बात करते हैं सो फीचर्स सेवन फीचर्स आर देयर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रजिस्ट्रेशन कॉमन सील सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल आर्टिफिशियल पर्सन परपेचुअल सक्सेशन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ओके नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन अब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एंटिटी मतलब जैसे उसका एक अलग से एक एग्जिस्टेंस होता है अलग से उसको एक सेपरेट बॉडी कह लो ओके सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर से अलग है अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस in its own name it can buy and sell assets in its own name it can enter into contract with outsiders in its own name and the company and its members are separate individuals theek hai members jo hai wo jo owners matlab jo ki money invest karte hain jo hum jaise middle class jo small investors hain wo owners hain but then also company has separate existence then its members okay first point is clear then second is artificial person a company does not have a physical body like a natural human being but it is an artificial person created by law its operations are performed by the elected representatives of members known as directors ठीक है डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इसके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कंपनी के सारे काम करते हैं ऑल दो बिजनेस इन रन इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी ठीक है कंपनी के नेम में ही बिजनेस रन होता है सपोज रिलायंस लिमिटेड है तो रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है इसके मेंबर से थर्ड रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होता है सो इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर अ कंपनी टू गेट इट्सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस अब तक क्या होता था जैसे पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है ठीक है बाकी HUF कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनी तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है देन परपेचुअल सक्सेशन सक्सेशन मतलब क्या होता है उत्तराधिकार अ कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इनडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है मेंबर यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई ठीक है वो इल हो गया वो इनकेपेबल हो गया ठीक है वो इंसॉल्वेंट हो गया वो मैड हो गया तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता बिजनेस देन द बिजनेस एग्जिस्टेंस आल्सो वुड सफ़र बट यहाँ कंपनी में बात दूसरी है तो कंपनी का कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है ओके कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस कंपनी
has. Okay, it is created by law, and only law can bring an end to its existence. Law ही उसे खत्म कर सकता है, और कोई खत्म नहीं कर सकता उसके. ठीक है, members may come and members may go. Children, this line is very important. Kindly just note it down. Members may come and members may go, but the company goes forever. Okay, goes on forever. The life of the company can come to an end through legal procedure of winding up. ठीक है, कंपनी खत्म करने की जो लीगल प्रोसीजर होती है उसी से ही कंपनी खत्म हो सकती है. ठीक है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होगा, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन. मतलब लगातार जो है इसका कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो चलता रहेगा. ठीक है, कंटिन्यूस सक्सेशन है ये. देन कॉमन सील. तो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन. कंपनी साइन तो नहीं कर सकती. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो भाई साइन करेगी, बट ऐसा नहीं होता, साइन नहीं कर सकती. बट कंपनी, देर इज नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट. सील होती ना जो, जैसे हर एक बिजनेस की, बिजनेस फर्म की एक सील होती है, तो कंपनी की भी सील होती है. द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर कैरीड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, वो उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी. भाई कंपनी के सिग्नेचर तो कैसे होंगे, लेकिन कंपनी की सील जहाँ लग गई है और उस पर जो साइनिंग अथॉरिटी है उसके साइन हो गए हैं, इट मीन्स वो अब कंपनी की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है. एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बेयर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. एक्चुअली ये जो सारे फीचर्स है ना, ये जब कंपनी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं कंपनी लॉ में. जब आप फर्स्ट ईयर में आप स्टडी करोगे तो मीन्स मैनी केसेस आर फाउंड वेयर मीन्स द सील वॉज नॉट पुटिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड वेन डिस्प्यूट्स अराइज्ड एंड वेन डॉक्यूमेंट्स वर चेक्ड, देन दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज एग्रीमेंट्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द नॉन पुटिंग ऑफ द सील. ठीक है, सील नहीं थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाते हैं, वो बाइंड नहीं कर सकते कंपनी को, इसलिए सील होना बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. अब शेयर्स जिसके भी पास होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइड होती है शेयर्स में. ठीक है, तो कंपनी की सपोज एक करोड़ की कैपिटल है तो वो 100 रुपीज़ के वो 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, अब किसी के पास 1000 शेयर है, किसी के पास 200 शेयर है, किसी के पास 500 शेयर है, तो वो सारे शेयर होल्डर्स हैं और वो कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है. तो कंपनी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इंटू शेयर्स. The shares of the company are freely transferable by its members. Company के जो शेयर हैं वो freely transferable होते हैं. केवल जो private company होती है उसके shares transfer होने पे वहाँ पे थोड़ी सी restrictions होते हैं, but जो limited company होती है, जो public limited company होती है, उसके shares easily transferable होते हैं. A shareholder is free to withdraw his membership from the company by selling his shares. The shares of private limited companies cannot be easily transferred. Okay. The next feature is separation of ownership and control. अब owners तो कौन हुए? जो small investors, middle class investors हैं, वो owners हुए. But the company form
of business is owned by the shareholders. These shareholders elect their representatives who are called directors of the company. Okay, and these directors actually manage and control the activities of company by appointing प्रोफेशनल एक्सपर्ट. अब ये भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं, वो सारे डे टू डे फंक्शन करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कंपनी से रिलेटेड, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, किस प्रोजेक्ट में एक्सपांशन करना है कंपनी, और कौन कौन सी एसेट्स परचेज करेगी, या बिजनेस को कहाँ कहाँ तक वो और एक्सपांड करेगी. तो वो सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं. और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, जैसे सीए होते हैं या लॉयर होते हैं, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो अपॉइंट करके, और वो एक्सपर्ट्स उनको एडवाइज़ करते हैं. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल हो गया. कंट्रोल तो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, एंड ओनरशिप होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. ये सबसे मेन फीचर है यहाँ कंपनी का, क्योंकि अभी तक के जो फॉर्म्स थे, जो तीन फॉर्म कह लो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में टोटली अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और HUF में कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ठीक है, बाकी सारे जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और कंपनी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. और लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दैट मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू पे देयर डेट फ्रॉम देयर ओन एसेट्स, ओन प्रॉपर्टी. ओके, इफ द कंपनी इज रनिंग इन लॉसेस, द मेंबर्स विल नॉट पे इट from their personal or private property. For example, if a person has purchased 1000 shares of value rupees 10 each, then his liability is limited up to 10,000 only. ठीक है, अगर उसने 1000 shares purchase करने के लिए application लगाई है, तो उसकी, और suppose वो सिर्फ application लगाई है, ठीक है, उसमें उसने अभी 2 रुपीज़ पर शेयर से उसने 2 रुपीज़ पर शेयर उसने दे दिया है, फिर अलॉटमेंट पे उसने 3 रुपीज़ पर शेयर जो उसने दे दिया है ना, ठीक है, अब 3 और 2 5 रुपये उसने दे दिए, और 5 रुपये और उसके देने बाकी हैं, तो टोटल लाइबिलिटी उसकी 10,000 थी, और 10,000 में भी 5 रुपीज़ वो दे चुका है, तो यानी कि 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 5,000 रुपीज़ ही उसकी लाइबिलिटी होगी. उससे ज़्यादा की लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी, कि कंपनी 5,000 से ज़्यादा उससे कॉल नहीं कर सकती. ठीक है, अब मेरिट्स, एडवांटेजेस. अब एडवांटेजेस में लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है. ठीक है, सेकेंड जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है, कि शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, वो सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, उसे लगता है कि अगर कंपनी लॉस में जा सकती है, ठीक है, तो वो इजीली वो सेल कर सकता है, उसे कैश की अगर ज़रूरत है वो इजीली सेल कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है, बिकॉज दैट इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ एंड इट कैन बी एंडेड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप. ओके, एंड डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट the business and existence of company. Then growth of an expansion, then company form of business, there is more scope for growth and expansion. The company has large financial resources and their rate of profit is also high. They can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. क्योंकि उन्होंने जो भी साल में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, एक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो वो उसको एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है. यहाँ मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है, बिकॉज दे कैन हायर एफिशिएंट मैनेजर्स फ्रॉम आउटसाइड. ओके, इन कंपैरिजन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो पॉसिबल हियर इन दिस form, because they are collecting capital by issuing of shares to general public.
ओके सो द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स. ओके सो दीज ऑल आर द मेरिट्स. नाउ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस कह लो. अब सबसे बड़ी बात है कि इसको फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना. लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. आज अभी हम इसके आगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन सी लीगल स्टेप्स होती हैं और लीगल प्रोसीजर कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो हम देखेंगे. ओके सो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं एंड मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड. वेरियस परमिशंस हैव टू बी ऑब्टेंड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज. एक्सपर्ट्स आर हायर्ड. ठीक है, तो एक्सपर्ट्स हायर करने के लिए फिर एक्सपर्ट्स ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, हाई फीस. एंड इवन रजिस्ट्रेशन फी हैव टू बी पेड टू द रजिस्ट्रार. तो कॉम्प्लेक्स बहुत है और कॉस्टली बहुत है. देन लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज जो ईयर के एंड में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो जितनी भी कंपनी की होती हैं, कंपनी के सारे अकाउंट्स हैं वो पब्लिक को पब्लिश किए जाते हैं. पब्लिक को में उनका पब्लिश वो पब्लिश होती है. कंपनी की हर कंपनी की एक बुकलेट पब्लिश होती है जिसमें कि वॉट विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म्ड, वॉट इज़ द फाइनल रिजल्ट मीन्स फाइनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड वॉट देयर बैलेंस शीट इज शोइंग. ओके एसेट्स, वॉट इज़ द सिचुएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर. सो देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस. अब इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, क्योंकि कंपनी क्या है, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको वो मैनेज करते हैं. ठीक है, तो वो मैनेजर क्या होते हैं, दीज मैनेजर्स गेट सैलरी फॉर देयर सर्विसेज. तो अब वो सैलरी उनको मिल रही है क्योंकि उनकी तो कैपिटल तो लगी हुई नहीं है, वो तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर हैं. तो वहाँ पे उनका जो इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट होता है, अगर कैपिटल मान लीजिए अगर उसका कहीं पे लॉस हो रहा होता है तो वो बहुत अच्छे से उसको वो केयर नहीं करते हैं. ओके सो लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू परफॉर्म एफिशिएंटली है ना. यहाँ पे मोटिवेट नहीं होते वो, और वो क्योंकि उनमें एक फीलिंग होती है अगर कंपनी डूब भी गई. ओके इफ कंपनी इज गोइंग इन लॉसेस देन ऑल्सो वी वुड गेट आर सैलरीज. सो दे हैव द लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट. एंड नेक्स्ट इज न्यूमरस रेगुलेशंस. बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और पेनल्टीज होती है. कंपनी अगर फेल हो जाती है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में तो फाइन भरना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट्स होती है जो रजिस्ट्रार को भेजनी होती है. ठीक है, तो लीगल जो इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन लैक ऑफ सीक्रेसी एंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज स्पेंट. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिले इन डिसीजंस. और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो बहुत सारे जो बोर्ड मीटिंग में जो पर्सन्स होते हैं उनको वो कंसल्ट करते हैं. और एंड वंस डिसीजंस आर टेकन दीज हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन, व्हिच इज़ अगेन अ लेंथी प्रोसेस. एक बार डिसीजन ले लिया फिर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो करना ही होता है. ठीक है, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए होते हैं तो कंपनी अपने मेजर डिसीजंस लेटर्स के थ्रू हमें पोस्ट करती है. तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग एंड लेंथी प्रोसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन कंपनी एट डिफरेंट लेवल. सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इज़ अ लेंथी प्रोसेस. ओके अब नेक्स्ट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट. अब ओलिगार्किक क्या होता है, मीन्स रूल ऑफ फ्यू. ठीक है,
यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट है वो कुछ ही लोगों के हाथों में होता है. ऑल दो वी से दैट देर इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी, ठीक है, सिर्फ कहने को होता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर एक डिसीजन में शेयर होल्डर्स की ओपिनियन ली जाती, बट ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली, ओके, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस. बट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर. इन रियल प्रैक्टिस कंपनी इज इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ अ फ्यू पीपल, ठीक है. तो कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की, द डायरेक्टर्स. द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हाँ कंपनी डूबी तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो हम लोग ज़्यादा रखेंगे एंड विल डिवाइड लेस टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है. तो वो दे जनरली इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. एंड लास्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. अब बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो कंपनी में कनेक्टेड होते हैं, लाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट. तो ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट, ठीक है. गवर्नमेंट चाहेगी कि मुझे कि हमें टैक्स टाइम पे मिले, एम्प्लॉयज़ चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, डिबेंचर होल्डर्स चाहेंगे कि उनको अपना जो डेट है, जो लोन है, वो टाइम से रीपे हो जाए और इंटरेस्ट भी टाइम से मिल जाए, और शेयर होल्डर्स चाहेंगे हमें सबसे ज़्यादा बोनस और डिविडेंड मिले, ठीक है. तो जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं तो उनके इंटरेस्ट के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दीज ग्रुप्स, ओके. एंड नाउ द लास्ट कंक्लूजन, दैट ऑन कंपेयरिंग मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वी कैन कंक्लूड दैट कंपनी इज अ सूटेबल फॉर्म फॉर हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, बिजनेस विथ रिक्वायर ह्यूज फंड्स एंड इन्वॉल्व हैवी रिस्क, ओके. नाउ वील डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन आर नेक्स्ट सेशन, प्राइवेट 1% एंड पब्लिक, ओके. टिल देन गुड डे, थैंक यू.